दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। आज की वीडियो है काफी ज्यादा नॉलेजफुल और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। दोस्तों यहां पर देख पा रहे हैं हमने खोला हुआ है जो कि इंस्टेंट गीजर है, रामसन कंपनी का काफी पुराना गीजर है दोस्तों। और ये इसकी जो इसका साइज है उसकी बात करें तो दोस्तों 3 लीटर का ये इंस्टेंट गीजर है। इसको कम्प्लीट किस टाइप से खोला है और क्या इसमें रीजन है, तो इसको कम्प्लीट इस वीडियो में हम ठीक करने वाले हैं और इसको बताएंगे। ये देखिए पूरा गीजर को हमने यहाँ पर खोला हुआ है और इसकी क्वालिटी है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, और क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या क्या सावधानी रखनी होगी उसके लिए, तो उसके बारे में भी कंप्लीट बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए वीडियो हमारा स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए हमने पूरे बोल्ट वगैरह खोल दिए। बाकी ये देखिए यहाँ पर जो इसका फ्लोराइड है, आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा फ्लोराइड है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसमें पूरी प्रॉब्लम हुई है। इसका पूरा कंप्लीट जो पाइपिंग है, जो इसकी जो कंप्लीट असेंबली है, चौक हो चुकी है, पूरा बाहर पानी आना बंद हो गया है, जिसकी वजह से इसका जो एलिमेंट है उसको यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे। ये देखिए सीरीज के अंदर इस टाइप से आपको चेक करना है। सीरीज में इसकी जो कंटिन्यूटी है, यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी इसकी आ रही है, और ये देखिए जो असेंबली है उसके ऊपर इसका जो शॉर्टिंग पूरा आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए जो इसका एलिमेंट है पूरा शॉर्ट हो रखा है यहाँ पर, और इसका जो रीजन है वो भी मैं आपको बताते हूँ। उससे पहले हमें जो इसका जो एलिमेंट है इसको यहाँ पर हम खोलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए 8 नंबर की जो हमारी टी हैंडल वाली जो हमारा ये देखिए 8 नंबर की गोटी होती है, उससे इसका जो बोल्ट है काफ़ी आसानी से इस टाइप के जो एलिमेंट का बोल्ट खुल जाता है। तो इसके बाद में ये देखिए ऊपर की तरफ इसको यहाँ पर निकाल देंगे हम। ये देखिए पूरा एलिमेंट बाहर आ चुका है, और नीचे की तरफ से ये देखिए बिल्कुल भी इसका लीकेज नहीं है। यहाँ पर इसकी डेट वगैरह डली होती है, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी जो डेट है ये देखिए ये 8/9/2019, यानी कि लगभग 3 साल पुराना एलिमेंट है इसमें, और नीचे से बिल्कुल फ्रेश है, कोई लीकेज नहीं है, फिर भी ये अर्थ हो चुका है। देख पा रहे हैं फ्लोराइड कितना ज़्यादा इसके अंदर जम चुका है, पूरा जो टैंक है बिल्कुल फ्लोराइड से पूरा भर गया था। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, गीजर को हर सीजन में एक बार आपको इलेक्ट्रीशियन से पूरा खोलकर सर्विस कराना है, जिससे इस टाइप की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और जो गीजर का आपका टैंक और एलिमेंट है हमेशा, और जो आपका असेंबली है पूरा सेफ रहेगा। असेंबली को भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो असेंबली देखिए थोड़ा यहाँ से साफ कर लेंगे, असेंबली कहीं से भी बिल्कुल भी मेल्ट नहीं है। ये देखिए पाइप इसका चोक है, इसको भी यहाँ से चोकिंग को खोल देंगे। ज़्यादा चोक है तो आप इसमें एसिड का भी यूज कर सकते हैं, एसिड दोनों पाइपों में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, जो हमारा नमक वाला एसिड होता है उससे काफ़ी आसानी से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें चोकिंग की यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइप का मुँह चोक था उसको हमने साफ कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए टैंक है, जो टैंक में कितना सारा यहाँ पर देखिए खार है, जो कितना ज़्यादा खार, पूरा खार इसका, ये देखिए फ्लोराइड कितना ज़्यादा यहाँ पर भरा हुआ है। तो पूरा फ्लोराइड यहाँ पर हमने इसका अच्छे से निकाल देना है, और इसमें ध्यान रखना है आपको पेचकस वगैरह से अच्छे से कुरच के नहीं निकालना, वरना जो टैंक है आपका लीकेज हो सकता है। तो दोस्तों ये देखिए लगभग इसके अंदर 1 से 1.5 किलो के आसपास इसमें फ्लोराइड हमारा निकला है, कुछ फ्लोराइड नीचे गिर गया है, और इसको भी हम नीचे की तरफ पटक देंगे। देख पा रहे हैं बिल्कुल कितना ज़बरदस्त और कितना खतरनाक फ्लोराइड होता है, जो कि हमारे अंदर भी इसको हम यदि पानी जैसे हमारे पथरी होती है उस टाइप से बहुत ही खतरनाक होता है फ्लोराइड गीजर के लिए भी। तो ये देखिए पूरे टैंक को यहाँ पर साफ कर देंगे ज़्यादा। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए जो एलिमेंट हम इसमें रिप्लेस करने वाले हैं, डेल स्टार कंपनी का है, कफ माइजेट, और 3000 वाट का है ये, और ये देखिए दिसंबर 2022 इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। और यहाँ पर रेट की बात करें तो लगभग 680 रुपये के आसपास आपको ये 1 सीजन वारंटी के साथ में एलिमेंट आपको मिल जाता है। तो ये देखिए इसको लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो इसमें भी यहाँ पर देखिए नया जो यहाँ पर कटोरी मिल जाती है, जिसको आप कैप बोल सकते हैं, नीचे से इसको खोलना होगा। उसके बाद में ये देखिए अंदर की तरफ से आपको एलिमेंट को डालना है। एलिमेंट को लगाते वक्त ध्यान रखें अंदर से जो जहाँ पर एलिमेंट का हमारा बेस सेट होता है पूरा वहाँ से बिल्कुल अच्छे से क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल भी फ्लोराइड या कोई भी कचरा यहीं पर नहीं होना चाहिए, वरना कितना भी आप इसको टाइट कर लें आपका जो एलिमेंट है लीकेज करेगा, तो जिससे आपका एलिमेंट और गीजर भी खराब हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से टाइट कर देना है, और बिल्कुल भी यहाँ पर आपका कोई भी कचरा इसके रबड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए जो इसकी सील है। तो चलिए असेंबली को कंप्लीट टाइट करने के बाद में
टैंक के साथ इसको लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी लगभग 15 या 20 साल पुराना गीजर इसको कस्टमर बता रहा है, 20 साल के समथिंग, और इसका जो टैंक है बिल्कुल फ्रेश है। रीज़न ये है कि आजकल जो SS के टैंक आ रहे हैं बहुत ही बेकार मतलब क्वालिटी के आते हैं, और आजकल जी इस टाइप का टैंक आपको देखने को बहुत ही कम मिलता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। ये प्योर कॉपर का टैंक है, तो यहाँ पर दोस्तों सभी बोल्टों को यहाँ पर बिल्कुल टाइट कर लेंगे, और टैंक को लगाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है जो टैंक की रिंग है उस पर बिल्कुल भी कचरा नहीं होना चाहिए, वरना आपका टैंक लीकेज करेगा। तो ये देखिए, पूरा टाइट करने के बाद में इसको हम एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पर कंटिन्यूटी ओके है और इसकी शॉर्टिंग भी बिल्कुल भी नहीं है, बॉडी अर्थ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ओके है, सेट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, इसकी जो वायरिंग है, इसको लगाने से पहले सबसे पहले हमने ये जो थर्मोस्टेट है उसको लगा दिया है, उसके बाद में मेन लीड का जो ग्रीन वायर है हमारा अर्थिंग का, अर्थिंग के वायर को यहाँ पर टाइट कर लेंगे बोल्ट के ऊपर, ये देखिए, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है गीजर के लिए, अर्थिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए, जो थर्मोस्टेट से हमारा वायर आ रहा है जो कि ऑटो कट होकर, इसको यहाँ पर एलिमेंट के किसी भी टर्मिनल पर लगा देंगे आप, और जो हमारा एक इंडिकेटर का पॉइंट है उसको भी इसके साथ लगा दिया है, और ये देखिए जो इसको आप न्यूट्रल बोल सकते हैं, बाकी ये रेड वायर है हमारा मेन लीड का, और इसके साथ हमारा जो इंडिकेटर का जो दूसरा वायर है वो लगाकर इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। और दोस्तों ध्यान रखना है, जो एलिमेंट के ऊपर हम टर्मिनल पे वायर लगाते हैं बिल्कुल अच्छे से टाइट करने हैं, वरना आपका लूजिंग से वायर जल जाएगा, एलिमेंट भी ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए, कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके आ चुकी है, जैसे ही डायरेक्ट सप्लाई देंगे ये देखिए इंडिकेटर हमारा ग्लो कर चुका है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। चलिए इसके बाद में ये कंप्लीट टैंक असेंबली को यहाँ पर बॉडी के अंदर यहाँ पर सेट कर देंगे हम, और ये देखिए वायर को बाहर की तरफ खींच देंगे, और इसकी फिटिंग देखिए काफ़ी आसान है दोस्तों। यहाँ पर अंदर की तरफ से यहाँ पर इंडिकेटर को भी सबसे पहले यहाँ पर लगा कर सेट कर देंगे, ये देखिए बिल्कुल अंदर तक लगा देंगे, जबकि ये निकलेगा नहीं, गीजर को सीधा रख लेंगे, और ये देखिए यहाँ से हमें अंदर की तरफ दो बोल्ट लगाने लेफ्ट राइट, जो कि हमारे टैंक को बॉडी के अंदर फिक्स रखेंगे। ये थोड़ा सा अंदर पड़ रहा है, बाकी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर की टी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और ये देखिए लेफ्ट राइट दोनों वोल्टों को पूरा टाइट कर देंगे ताकि टैंक अपनी जगह बिल्कुल फिक्स रहेगा। ऊपर से इसका जो ढक्कन है इसको लगा देंगे। दोस्तों फिटिंग काफ़ी एंटीक है, देखिए पूरा जो बॉडी है इसकी कहीं से भी गली नहीं है इतना पुराना होने के बाद में, क्योंकि टैंक भी बिल्कुल लीकेज नहीं है। ये देखिए कोई स्क्रू नहीं है, आसानी से ठोक कर इसको अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए नीचे वाला कवर को लगाएंगे, इस टाइप से आपको लगाना है, इसको भी यहाँ पर इस टाइप से ऊपर से ठोक कर सेट कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए इसकी जो डिस्क्रिप्शन प्लेट है इसको लगा देंगे, ये देखिए आउटपुट इनपुट इस पर लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आप इसको सेट करेंगे। और नीचे की तरफ दोस्तों ये देखिए यहाँ पर एक पाइप लगा होता है, पाइप को यहाँ पे नली में निकाल देंगे, यहाँ से ये नली है जो इसको यहाँ पर ये जो प्लेट के अंदर होल है इसमें लगा देंगे, और जो प्लेट के स्क्रू हैं सभी स्क्रू को यहाँ पर टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, गीजर को हर साल मैकेनिक से आपको सर्विस जरूर कराना है पूरा टैंक खोलकर, जिससे आपका जो कंप्लीट एलिमेंट और पूरा गीजर है सेफ रहेगा। फाइनल टेस्टिंग करते हैं, ये देखिए सीरीज की जो लीड हमने यहाँ पर लगा दी है फाइनल टेस्टिंग के लिए, और सबसे बेस्ट तरीका चेक करने का, ये देखिए सप्लाई आ रही है, और ये देखिए बॉडी अर्थ सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। इसके बाद में ये देखिए एलिमेंट की कंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही है, एलिमेंट से बॉडी अर्थ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए आपकी। तो ये जो ये देखिए ये वाली कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो गीजर हमारा बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, बिल्कुल ओके हो चुका है, और चलने में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल नए की तरह वर्क करेगा। दोस्तों इसका एलिमेंट खराब होने का मैंने रीजन आपको बता दिया था, सर्विस आपको बिल्कुल गीजर की टाइम पे करानी है, कोई भी गीजर हो आपका। तो दोस्तों इस गीजर के बारे में आपको दी गई जानकारी और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा और किसी भी होम अप्लायंसेस, किसी भी पावर टूल की कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।